हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सुगम और मेरे चैनल पर फिर से एक बार आपका स्वागत है। तो आज मैं जिस चीज़ के बारे में बात करने जा रही हूं, तो अगर वो आप मार्केट में लेने जाओगे तो 5 से 10 हज़ार में मिलेगा और इफेक्ट होगा, नो डाउट। आपको 3 से 4 दिन में उसका इफेक्ट दिखेगा, वेट लॉस होगा, चर्बी घटेगी। लेकिन जैसे ही आप उस चीज़ को बंद करोगे, चर्बी डबल तेज़ी से घटेगी। तो उसी का आज मैं सोल्यूशन लेके आई हूँ कि किस तरह से आप घर पे उस चीज़ को बना के सिर्फ 7 से 10 रुपए में बना के उस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए फ़ायदा उठा सकते हो और उससे ज़्यादा बेनिफिट आप पा सकते हो इस 7 से 10 रुपए में। यानी कि बहुत सारे रोग जाएंगे, आपका जो वेट लॉस होगा वो गेन नहीं होगा, साथ ही साथ मैं बोल सकती हूँ बहुत सारे रोगों से निजात आप पाएंगे, दोबारा वेट नहीं आएगा आपका और बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जिनके बारे में मैं अभी आपसे आगे बात करूँगी। तो जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि घरेलू चीज़ों को लेने के बाद अगर आप वेट लॉस कर रहे हो तो ये गुड साइन है आपकी हेल्थ के लिए और आपके वेट के लिए। लेकिन अगर आपने बाहरी चीज़ों में पैसा खर्च करके और उससे वेट लॉस किया तो पैसों की भी हानि हुई, शरीर की भी आपको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा और वेट शुरुआत में तो बहुत लॉस होगा लेकिन बाद में बहुत तेज़ी से गेन होगा। तो आज मैं बात करने जा रही हूँ फैट कटर की, और ये फैट कटर अगर आप मार्केट से लेने जाओगे तो 15 से 20 हज़ार में आपको मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा नो डाउट, लेकिन कुछ शॉर्ट टर्म के लिए। लेकिन जिस चीज़ के बारे में आज मैं बताऊंगी, 5 से 10 रुपए में चीज़ तैयार होगी और उससे ज़्यादा अच्छा वर्क करेगा आपकी बॉडी पे, आपका ब्लड प्योरीफायर करेगा, आपका वेट लॉस होगा, पसीने के थ्रू सारी चर्बी बाहर निकलेगी और इसका इफेक्ट आप 7 से 10 दिन में देख सकते हो। तो टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले, जैसा कि मैंने आपसे बोला कि मैं एक मुहिम चला रही हूँ #womenhygiene की, और ये वुमेन हाइजीन को पूरा सर्कुलेट करने के लिए आपको ज़्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। आपके घर में जो हाउस हेल्पर है, जो बर्तन धोने आती है, झाड़ू पोछा करने वाली आती है, एक बार आप उनसे ही बात करके देखें कि उन्हें हाइजीन के बारे में, उन्हें इस सफाई के बारे में कितना नॉलेज है। आपको पता चल जाएगा कि हमारा ये जो एरिया है, इवन हमें अपने घर से ही शुरुआत करने की जरूरत है वुमेन हाइजीन से रिलेटेड। इसीलिए मैं हर वीडियो में आपसे इस चीज़ के लिए जागरूक करने के लिए हर वीडियो में बात करती हूँ। तो उन्हें भी समझाइए कि मेंस्ट्रुअल कप हो क्या होता है, उन्हें भी बताइए कि इंटीमेट वॉश क्या होता है, उन्हें भी समझाइए कि हमें अपने वजाइना को साफ करने के लिए सिर्फ साबुन इम्पॉर्टेंट नहीं है, हमारा पीएच बैलेंस लेवल अलग है। इसीलिए इन सारी चीज़ों को मैं समझाती हूँ। तो अपने उस फैट कटर की तरफ बढ़ने से पहले आपको इस चीज़ के बारे में बताऊँगी, थोड़ा सा इसमें क्लिप जरूर डालूंगी जिससे आप लोगों को भी समझ में आए और आप इसे अवेयर कर सके। तो मेरे इस वीडियो को फटाफट से सर्कुलेट करिए अपने सारे सोशल मीडिया पे, जिससे कि और लोग भी इसका फायदा उठा सके। तो टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं और फटाक से चलते हैं वीडियो की तरफ। इन बताने से पहले, जैसा कि आपको पता है कि मैं #womenhygiene पे ऐसे मैं ज़्यादा फोकस कर रही हूँ, तो हाइजीन का नेक्स्ट पार्ट है एवरटीन का नेचुरल इंटीमेट वॉश। क्योंकि जैसे कि आप अपने फेस के लिए अलग चीज़ लेते हैं, फुट क्रीम अलग लेते हैं, हैंड क्रीम अलग लेते हैं, ठीक है, आई क्रीम अलग लेते हैं, ठीक उसी तरह आपको वेजाइना के लिए भी वॉश अलग लेना चाहिए। और ये इसलिए भी लेना चाहिए क्योंकि हमारा पीएच लेवल वहाँ का, यानी कि हमारी वजाइना का और हमारे दूसरे अदर पार्ट्स का पीएच बैलेंस बिल्कुल डिफरेंट होता है, और इसीलिए हमें उसके पीएच को बैलेंस करने के लिए एक अच्छा इंटीमेट वॉश चाहिए, जो कि आप अपने पीरियड्स के दिनों में भी यूज़ कर सकते हैं और मतलब रेगुलर बेसिस पे यूज़ कर सकते हैं। इससे आपको इचिंग की प्रॉब्लम नहीं होगी, जिनको भी वाइट डिस्चार्ज की वजह से वहाँ पे खुजली रहती है या फिर इन्फेक्शन ज़्यादा रहता है, उनके लिए भी ये काफ़ी अच्छा। और साथ ही साथ इस प्रोडक्ट को मैं इसलिए भी रिकमेंड कर रही हूँ बिकॉज मार्केट में बहुत ही सस्ता है ये, मतलब कि और देख रहे हैं कि ऑलरेडी ये, मतलब ये मैं आपको गिनती भी नहीं बता सकती ये कौन सी बॉटल कितने नंबर की ये बॉटल है। और हमेशा मैं इसी को यूज़ करती हूँ, पीएच बैलेंस को बहुत अच्छे से मेंटेन करेगा आपको, हर तरह से अच्छा है, 100% नेचुरल है और मतलब एक्स्ट्रा माइट फॉर ऑल स्किन टाइप है। साथ ही साथ जैसा कि मैंने बोला कि जो मैंने अदर ब्रांड्स का देखा, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी किसी भी ब्रांड का, उसमें क्या होता है कि उसमें
नेचुरल चीजें नहीं होती हैं, और मुझे ये एक 100% नेचुरल इंग्रेडिएंट के साथ मिला, इसलिए मैं इसे यूज कर रही हूँ। अगर आप इसे परचेज करना चाहते हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाके परचेज कर सकते हैं। और जो चीज पर्सनली मैं यूज करती हूँ वही चीज मैं आपको हमेशा रिकमेंड करती हूँ, इसीलिए कभी भी ऐसी चीज नहीं रिकमेंड करती हूँ कि जो चीज मैं नहीं यूज करती हूँ। तो इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन। कार्ड कटर को बनाने के लिए आपको सबसे पहले जो चाहिए वो है धनिया, और धनिया नहीं चाहिए, धनिया की ये जो रूट्स होती हैं ये चाहिए, और मार्केट से रूट्स वाली ही धनिया लाइएगा, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले मैं इनकी रूट्स को ही अलग करूँगी, आपको धनिया लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको इनकी रूट्स लेना है। तो अच्छे से रूट्स को लीजिए और वॉश करिए, ज़्यादा रूट्स वाली अगर धनिया मिले तो वो भी काफ़ी बेनिफिट फिशियल ही रहेंगे आपके लिए। और इवन अगर आपको ब्लड की भी दिक्कत है बॉडी में, अगर आपको आयरन की कमी बोली गई है, हीमोग्लोबिन की कमी बोली गई है, वो लोग भी ये ड्रिंक ले सकते हैं। तो इस तरह से आपको ये लेना है। देन उसके बाद आपको एक टुकड़ा इसमें मूली का डालना है। इन सारी चीजों को अच्छे से वॉश करिए। तो फटाक से मैं इन्हें वॉश करके लाती हूँ। तो इन चीजों को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है, और इसके बाद आपको डालना है इसमें कुछ अदरक, हाफ इंच अदरक ले लीजिए, इनफ है, हाफ इंच अदरक का टुकड़ा डाल दीजिए। और इसके बाद आपको इसे करना है ग्राइंड। तो ये पेस्ट मेरा जो है वो ग्राइंड हो चुका है, और आप इसे एक कटोरी में निकाल के अपने फ्रिज में रख दीजिए। देन उसके बाद आपको लेना है उसका एक चम्मच फुल ऑफ स्पून इस तरह से, और हल्का सा गुनगुना पानी, और इसे करना है मिक्स, और रोज सुबह खाली पेट लेना है। और इस पेस्ट को आप फ्रिज में बना के स्टोर कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, बिकॉज ठंड है और फ्रिज में भी इसका टेम्परेचर बिल्कुल सही रहेगा। तो इस तरह से हल्के गुनगुने पानी में, क्योंकि मूली ठंडी होती है एज यू नो, अगर सर्दी में लोगे आप ठंडे पानी में तो आपको प्रॉब्लम कर जाएगी और सर्दी जुकाम हो जाएगा। तो गुनगुने पानी में रख लीजिएगा और एक बार इसे पी के देखिए, ऑसम रिजल्ट देगा आपको, और बैली फैट बहुत अच्छा जाएगा, चर्बी बॉडी की शरीर की चर्बी बहुत अच्छे से पिघलेगी। तो एक बार ट्राई करिए और मेरे साथ रिव्यू जरूर शेयर करिएगा। बनाना बहुत आसान है, फटाफट से बनाइए, पीजिए, मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कैसे पीना है। और वीडियो जरा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पसंद आया तो फटाफट से सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलती हूँ बहुत ही जल्दी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।